सो ये गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो अभी हमें हरिद्वार में, तो अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी जो यहाँ का सबसे पवित्र स्थल है, एंड वहाँ पे अभी गंगा आरती होगी शाम को, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी हम स्टेशन के सामने रह रहे हैं, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है हर की पौड़ी। तो चले चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग हमारी होटल से पैदल ही हर की पौड़ी जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो होटल है वो स्टेशन के पास ही है, एंड जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 किलोमीटर का ही है। एंड आप अगर पैदल नहीं जाना चाहते तो आप ई रिक्शा से भी जा सकते हो, क्योंकि स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, एंड वो सिर्फ आप 20 रुपये दे के जा सकते हो। हम लोग इतने आलसी है कि हम चल के जा सकते हैं, पर अभी भी हम ऐसा सब ढूंढ रहे हैं जाने के लिए। 50 रुपीज़ चार्ज बोल रहे हैं वो अंकल हमें। तो गाइस, जैसे हम लोग ने बताया, आप ई रिक्शा में भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग साइकिल में जा रहे हैं। आपको अगर चलती नहीं होंगी ना? हाँ, आपको अगर नहीं चलती होंगी ना? नहीं, हमारे यहाँ साइकिल नहीं चलती है, इसलिए हम लोग को बैठना था। इसमें अंकल गुजरात के थे 3 ना? अच्छा, वो भी यही बात बोल लेते मुझे। अच्छा, तो उन्होंने देखो बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे ये चंडी देवी मंदिर और ये मानसा देवी मंदिर बहुत लोग जाते हैं ना? मेन जगह यही है। हाँ, हर की पौड़ी, हाँ, और मनसा देवी, हाँ, और चंडी देवी, ये 3 यहाँ की मेन है। सबसे ज्यादा मेन है आरती। हाँ, जो शाम को बहुत भीड़ होगी ना अभी आरती? हाँ, बहुत ही ज्यादा। अब भैया आगे जाना सही रहेगा कि पीछे से देखना सही रहेगा? आपको अगर ज़्यादा सीट मिल जाए, बैठने की जगह होती है। हाँ हाँ, अच्छा, बैठने की जगह होती है, पौड़ियाँ बनी हुई है बढ़िया। हाँ हाँ, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह। हाँ, बैठ के भी देख सकते हो। अच्छे से कहाँ से देख सकते हो, मतलब पास जाके के दूर से देखेंगे? थोड़ी दूर। अच्छा गाइज, अभी कुछ 4 बजे और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इस स्थल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र कहा जाता है, क्योंकि जो गंगा का जो पानी है वो गंगोत्री के गौमुख से निकल के पहाड़ों में होके हरिद्वार की ज़मीन पर सबसे पहले आता है, इसलिए इस स्थल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र कहा जाता है। चार धाम की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग गंगा आरती जहाँ पे होती है वो लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे अमृत की बूंदे गिरी थी, इसलिए ये स्थल बहुत ज़्यादा पवित्र है, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर आना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हर हर गंगे।